आतंकी संगठन आईएसआईएस का सरगना बगदादी के मारे जाने के बाद अब आईएस का नया सरगना अब्दुल्ला करदास को बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल्ला करदास इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की सेना में अफसर रह चुका है। करदास को पूर्व सरगना अबू बकर अल बगदादी के अमेरिका कार्रवाई में मारे जाने के बाद उत्तराधिकारी बनाया गया है। इससे पहले वह आईएस के कामकाज को नियंत्रित करता था। यूरोपीय यूनियन सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री और सांसदों के बीच कश्मीर के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। वहीं मोदी ने अपने संबोधन के दौरान सांसदों को कश्मीर समेत भारत के अन्य हिस्सों के दौरे के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो भी देश आतंकवाद का समर्थन करता है उसके खिलाफ जल्द कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। बिहार के जहानाबाद जिले में बेखौफ अपराधियों ने राजद नेता के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना टेटा ओपी के देवी कुली गांव की है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। मृतक का नाम अवधेश यादव बताया जाता है। गया के खजूर गांव में लक्ष्मी पूजा के अवसर पर ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम के दौरान स्टेज पर एक व्यक्ति द्वारा देसी राइफल लहराने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद गया एसएसपी ने संबंधित थाने को इस संबंध में कार्रवाई करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कर व्यक्ति का हथियार जब्त किया जाए और आगे की कार्रवाई की जाए। गया के कोतवाली थाना क्षेत्र के टेकारी रोड स्थित इंडियन बैंक के बगल में कूलर के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में सब कुछ जलकर खाक हो गया। आग लगी कि इस घटना में लाखों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। कूलर गोदाम के मालिक ने बताया कि पटाखों की चिंगारी से आग लगी है। कटिहार के नगर थाना क्षेत्र के बीएड कॉलेज के पास पिछले दिनों हुए गोलीकांड में घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद मृतक के परिजनों ने पानी टंकी चौक को जाम कर प्रदर्शन किया। परिजनों ने अपराधी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए अपराधी को फांसी देने की मांग की। जाम की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने परिजनों को आश्वासन दिया, तब जाकर परिजनों का गुस्सा शांत हुआ। कटिहार के बरारी थाना क्षेत्र के बरारी बाजार में दिवाली की रात एक घर में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि दीपावली के पटाखे से आग लगी है। आग लगी में लाखों का नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पाटलिपुत्र नगर विकास समिति के द्वारा गरीब बच्चों के साथ दीपावली मनाई गई। इन बच्चों के बीच संस्था की ओर से दीप और पटाखे भी बांटे गए। वहीं पीएनबीएस के अध्यक्ष बबलू कुमार ने हर संस्थाओं को बच्चों के हित के लिए कार्य करने की अपील की। इस मौके पर बाजार समिति के उपाध्यक्ष वरुण कुमार, जितेंद्र चंद्रवंशी, प्रवीण कुमार गुड्डू मौजूद रहे। मुंबई में अमिताभ बच्चन ने दिवाली के मौके पर ग्रैंड पार्टी दी। यह पार्टी उनके घर जलसा में हुई। इस दिवाली पार्टी में बॉलीवुड के कई कलाकारों ने शिरकत की। तापसी पन्नू, कटरीना कैफ, जानवी कपूर, विपाशा बासु, तारा सुतारिया, विक्की कौशल, शाहरुख खान, गौरी खान, सोहाली खान, कुणाल खेमू, शानिया कपूर, महीप कपूर, संजय कपूर, मलाइका अरोड़ा, जहीर खान जैसे नामचीन हस्ती शामिल रहे।